நான் ஒரு தழுவா சன்னா, இன்னொரு தழுவா சன்னா மாதிரி. நான் ஒரு தடவை சொன்னா, நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி. Can you guess ki ye dialogue kis picture ka hai? Keep watching my video blog. हेलो, माय नेम इज शितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग. आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक पिक्चर और एक किताब. किताब का नाम है बाशा, जिसको सुरेश कृष्णा ने लिखा है. सुरेश कृष्णा इस फिल्म के डायरेक्टर थे और बाशा वो फिनोमेना है जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर है. बाशा एक ऐसी फिल्म है जो अभी भी तमिलियंस देखते हैं और अभी और एक ऐसी पिक्चर है जो मतलब मैं भी अभी तक देखता हूँ और मुझे अभी भी अच्छी लगती है. वो इतनी ज़्यादा रेलिवेंट पिक्चर है और इतनी इंटरेस्टिंग पिक्चर है कि आप उसे कभी भी देख सकते हो. जिन लोगों ने बाशा नहीं देखी है वो इस पिक्चर को ज़रूर देखें. बाशा बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो रजनीकांत को आया था. रजनीकांत की स्टोरी है. रजनीकांत बेसिकली एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था हम, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा भी थे और उसको मुकुल आनंद डायरेक्ट कर रहे थे. तो उसमें एक सीन था जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो मुकुल आनंद ने डायरेक्ट किया था, जो रजनीकांत के ऊपर था. और रजनीकांत को सीन काफ़ी अच्छा लगा था और रजनीकांत चाहते थे कि उसमें उस सीन में अमिताभ बच्चन भी थे, तो वो रजनीकांत चाहते थे कि उस सीन को पिक्चर में रखा जाए. पर मुकुल आनंद ने कहा कि नहीं यार, इस सीन की ना पिक्चर में ज़रूरत नहीं है. तो रजनीकांत ने कहा कि क्या इस सीन को मैं कभी अपनी कोई तमिलियन फिल्म में यूज़ कर सकता हूँ. मुकुल आनंद ने कहा हाँ बिल्कुल यूज़ कर, बिल्कुल बढ़िया से कर. तो जब वो तमिलियन सिनेमा में वापस आए और उसके बाद वो अपनी फिल्में कर रहे थे, तो उसमें जो सुरेश कृष्णा डायरेक्टर था उसको उसने एक कॉन्सेप्ट सुनाया. उसने कहा कि क्या इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करके हम फिल्म बना सकते हैं. तो उसने कहा कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ. विद इन वन मंथ सुरेश कृष्णा ने एक ड्राफ्ट लिखा और जाके रजनीकांत को दिया और इस तरह से ये फिल्म बनी और ये जाके एक हिस्ट्री बन गई. सो बेसिकली इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि के बालाचंदर करके एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, उनके ही असिस्टेंट थे एक टाइम में, प्रोटेजे थे बेसिकली सुरेश कृष्णा, जो कि उनको असिस्ट करते थे. असिस्ट करते करते वो अपना डायरेक्टर बन गए और उन्होंने एक दो फिल्में डायरेक्ट कर ली. के बालाचंदर इधर अपनी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने रजनीकांत को एक पिक्चर के लिए साइन किया. के बालाचंदर ने ही रजनीकांत को लॉन्च किया था और रजनीकांत भी के बालाचंदर का ही प्रोटेजे था. रजनीकांत की डेट्स लॉक करी. रजनीकांत उस वक्त टॉप स्टार ऑलरेडी थे और काफ़ी बिजी थे और उनकी डेट्स लॉक जाने का मतलब था कि अब वो फिल्म बननी है. तो उसका जो डायरेक्टर था उसने एक स्टोरी लिखी थी और उस टाइम पे जो स्टोरी लिखी जाती थी वो बेसिकली आउटलाइनिंग होती थी. उसमें डायलॉग वालों नहीं होते थे और सीन जैसे शूट होना होता था उस दिन सुबह बैठ के लोग डायलॉग वालों लिखते थे. तो इस तरह का बेसिकली शूट 60s 70s 80s 90s में होता था कि आप सिर्फ आउटलाइनिंग करते थे और बेसिक जो मेन स्क्रिप्ट जो होती थी वो सेट पर लिखी जाती थी. तो उसकी आउटलाइनिंग हो गई थी, प्री प्रोडक्शन हो गया था, लोकेशन रखी हो गई थी, बाकी सारी चीज़ें हो गई थी. पर दो हफ्ता पहले कुछ अनबन शुरू हो गई के बालाचंदर और डायरेक्टर के बीच में और कुछ तीन चार दिन पहले डायरेक्टर को के बालाचंदर ने निकाल दिया. अब तीन चार दिन बाद फिल्म का शूट होना है और इनके पास कोई डायरेक्टर नहीं है. तो के बालाचंदर ने सुरेश कृष्णा को फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि तू इस फिल्म को डायरेक्ट करे. अब सुरेश कृष्णा नया डायरेक्टर था, वो एक दूसरी फिल्म करने जा रहा था, पर रजनीकांत के साथ फिल्म करने का मौका उसको वैसे भी नहीं मिलता. पर वो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि रजनीकांत बहुत बड़ा स्टार था, उसके साथ एक ऐसी फिल्म करना जिसके लिए उसने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक बहुत बड़ा गैम्बल था. पर के बालाचंदर जो कि उसके मेंटर थे वो उनको कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा कि सर आप बोल रहे हो तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं करूँगा. तो दो दिन पहले आके सुरेश कृष्णा ने फिल्म को ज्वाइन किया और दो दिन बाद से इसका शूट शुरू हुआ. दो दिन में जितनी तैयारी वो कर सका उसने वो करी और वो फिल्म जाके आगे बनी अन्नामलई. अन्नामलई भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है जो कि और बहुत ही बढ़िया बनी फिल्म है. उसकी भी ट्रिवियाज बाशा की जो किताब है जो सुरेश कृष्णा ने लिखी है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिवियाज बताए हैं उसमें कि वो पिक्चर कैसे बनी, किस तरह से हुई. आप पढ़ेंगे किताब को आपको पता चलेगा. अगर आपने शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र की फिल्म है वो देखी हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि अन्नामलई बेसिकली वही पिक्चर है. अन्नामलई को बेसिकली हिंदी में अडेप्ट किया गया था शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र को लेकर. उसमें एक सीन है जिसमें रजनीकांत और उसके जो मेन फ्रेंड होता है उसके बीच में झगड़ा होता है. तो उसमें एक सीन था जिसमें रजनीकांत सेंटर में खड़ा है और उसका जो फ्रेंड है उसका बाप जो है पीछे खड़े हैं और उसमें एक ट्रायंगुलर शॉट था जो कि उनको लेना था, जिसको लेने में उन लोगों को करीब तीन चार घंटे लग गए, जो कि वो
शॉट लेना बहुत डिफिकल्ट था, पर वो शॉट बहुत एसेंशियल था डायरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि उसमें रजनीकांत का बेसिक एंगल दिख रहा था। तो वो शॉट बेसिकली इस तरह जाता है कि ये रजनीकांत खड़ा है, ये कैरेक्टर्स खड़े हैं, तो शॉट यहाँ से जाता है रजनीकांत के पास और यहाँ निकल के आता है। अब जो एक्टर की इस एक्सेस, तो अगर ये एक्सेस है आपकी, तो उस एक्सेस को क्रॉस करते हुए राइट एक्सेस से लेफ्ट एक्सेस में आपका कैमरा जाता है, जो कि एक रूल ब्रेकर भी है। आप रूल नहीं ब्रेक करते कैमरा में, पर इसमें रूल ब्रेक इतना कोई कॉन्टिन्यूस हुआ है तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उस सीन को आप ज़रूर देखिए, मैं आपको सबसेट में दिखाऊंगा अभी वो सीन, पर बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। मुझे वो सीन, मतलब मैंने कई बार देखा है, मुझे हर बार वो सीन बड़ा इंट्रीग करता है। मुझे लगता है शायद मैं कभी फिल्म बनाऊंगा तो उस सीन को कभी रिपीट करूंगा। इसके बाद जब ये पिक्चर बन गई तो पिक्चर ब्लॉकबस्टर भी हो गई, पिक्चर बहुत बड़ी हिट भी हो गई, तो रजनीकांत सुरेश कृष्णा से बहुत इंप्रेस भी हुए, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के उन्होंने ये पूरी फिल्म बना दी थी। तो सुरेश कृष्णा के साथ ही उन्होंने नेक्स्ट फिल्म साइन की और उन्होंने बादशाह की स्क्रिप्ट बताई। तो बादशाह की स्क्रिप्ट लिखी और रजनीकांत को काफ़ी पसंद आई, पर रजनीकांत नहीं चाहते थे कि उनकी बैक टू बैक एक्शन फिल्म साइन, क्योंकि अन्नामलई थोड़ी सी सीरियस फिल्म थी। सो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि हम एक पिक्चर करेंगे वीरा, और उन्होंने पहले एक वीरा पिक्चर करी जो कि कॉमेडी थी, और वो भी चली पिक्चर, पर वो ब्लॉकबस्टर नहीं हुई अन्नामलई और बादशाह की तरह, बस वो चल गई थी थोड़ी बहुत पिक्चर। पर उसके डायरेक्टली बाद रजनीकांत ने बादशाह शुरू कर दी थी, जिसके गाने कंपोज किए और उसके सीधे पिक्चर शुरू कर दी थी। और पिक्चर जहाँ तक कि आपको मैंने बता रखा है कि वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, अगर आप तमिल सिनेमा से इंट्रोड्यूस नहीं है तो वो पिक्चर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर है। और वो इस लेवल पे ब्लॉकबस्टर है कि ऑटो में तमिलनाडु में जो ऑटो चलते हैं वहाँ पे अभी भी उस पिक्चर के गाने चलते हैं, जो नॉन ऑटो अल्लाह गाना है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उसको अक्सर उसकी लिरिक्स याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है। भाषा की जो सबसे ब्रिलियंट चीज़ है वो मुझे लगता है उसका इंटरवल पॉइंट है, जिसके लिए भी सुरेश कृष्णा ने बहुत झगड़ा किया, क्योंकि वो इंटरवल पॉइंट उसको मिल नहीं रहा था जैसा वो चाह रहा था। फाइनली उसको मिल गया और वो चाह रहा था कि रजनीकांत का जो एक्चुअल अपीयरेंस है, अब ये थोड़ा सा स्पॉइलर टाइप का भी है, तो जो रजनीकांत की एक्चुअल आइडेंटिटी है वो बेसिकली इंटरवल तक रिवील हो जाए। तो वहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस आता है, और तमिल सिनेमा में नॉर्मली क्या होता है कि हीरो कभी मार नहीं खाता है। हीरो जब इंट्रोड्यूस होता है तो इंट्रोड्यूस ही अगर शेर की तरह होता है, उसको एकदम स्लो मोशन में जंप होता है और उसको दिखाते हैं कि वो बड़ा भयानक आदमी है। और रजनीकांत की तो इमेज ही वैसी थी कि वो गुंडों को मारता है, सिगरेट ऊपर उछालता है, चवन्नी उछालता है, चुंगम उछालता है, सब खाता है, गुंडों को एक एक हाथ से उठा के मारना शुरू करता है, कराटे वराटे कुछ करता रहता है। तो रजनीकांत को पिटवाना तो पॉसिबल ही नहीं था किसी भी डायरेक्टर के लिए, पर बादशाह की स्टोरी ऐसी थी, मेरे ख्याल से वन ऑफ द फ्यू स्टोरीज ऐसी हैं तमिल सिनेमा में जिसमें फर्स्ट हाफ में हीरो लगातार पिट ही रहा होता है। तो रजनीकांत को ऐसा डोसाइल बंदा दिखाया है जो कि अपने फैमिली के लिए जीता है, ऑटो चलाता है, सिंपल बंदा है, जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। अगर उसके भाई का जो कि पुलिस में है उसका भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको भी रोकता है कि लड़ाई झगड़ा मत करो, गलत चीज़ है, ऐसा ऐसा करके। पर जब चीज़ें ज़्यादा पर्सनल हो जाती हैं और अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए उसका भाई जो है कुछ क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेता है, तो क्रिमिनल्स उसे घर पे आके उसको मारने लगते हैं और उसकी बहन के साथ कुछ गलत करने लगते हैं। वहाँ पे रजनीकांत का एक्चुअल नेचर जो है वो वापस आता है और वहाँ पता चलता है कि रजनीकांत बेसिकली जो दिख रहा था वो है नहीं, उसकी आइडेंटिटी कुछ और है। और वो कमाल का फाइट सीक्वेंस होता है, और पहली बार आपने गदर में देखा होगा कि संजीव देओल ने हैंडपम्प निकाला था, पर एक्चुअली हैंडपम्प निकाला था रजनीकांत ने बादशाह फिल्म में। तो वो सीन भी आपको इस पिक्चर में दिखेगा और ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंसेस है। आप इससे मत जाइए कि इसमें लोग हवा में उड़ रहे हैं, स्लो मोशन हो रहा है, वो फाइट सीक्वेंस नहीं। फाइट सीक्वेंस इन दस टाइम्स इसका मूड बहुत अच्छा है, जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से रजनीकांत का एंगर है, रजनीकांत के एक्सप्रेशन है, कमाल का फेबुलस फाइट सीक्वेंस है। फाइट सीक्वेंस के होने के बाद जो ये डायलॉग आता है, नान ओरो थड़ुआ सन्ना, ये डायलॉग अपने आप में लेजेंड हो गया था। और ये डायलॉग मतलब अक्सर दिखाया जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डायलॉग, क्योंकि जिस तरह से इको साउंड के साथ ये डायलॉग आता है और रजनीकांत अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, उसे गॉडफादर के मोड में, और सारे ऑटो वाले आके उसका हाथ किस करते हैं, इस ब्रिलियंट। मेरे ख्याल से अगर अभी पिक्चर मैं तमिलियन होता और हॉल में पिक्चर देख रहा होता तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज इसमें कैरेक्टर आर्क को लेकर, मतलब अगर मैं आपसे कभी कैरेक्टर आर्क की बात करता हूँ तो कैरेक्टर आर्क तो इसमें ट्रेमेंडस है। इसमें क्या कैरेक्टर आर्क है, मतलब कि पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। मतलब दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर आर्क, दिस इज कॉल्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोरी, दिस इज मेजर स्टोरी आर्क। मतलब इतना 180 डिग्री पोलैरिटी में कैरेक्टर आर्क नॉर्मली फिल्म में नहीं होते हैं, क्योंकि आप जो कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ग्रेजुअली दिखाने की कोशिश करते हो, जैसे नूरान करता है, और वो इंटरेस्टिंग भी है कि आप ग्रेजुअली किसी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ, पर इस तरह की चीज़ें एक्चुअली ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर देती है। और फिर आप सेकंड हाफ में सुरेश कृष्णा इसको जस्टिफाई करता है कि रजनीकांत ने जो फाइट की थी वो क्यों करी थी और वो किस तरह का इंसान है। सेकंड हाफ पिक्चर का मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल उसमें एक्सप्लेनेशन है, बैक फ्लैश और फ्लैशबैक स्टोरीज मुझे वैसे भी कभी पिक्चरों में अच्छी नहीं लगती, कहीं भी मुझे फ्लैशबैक स्टोरीज नहीं अच्छी लगती हैं।
एनीवेज फर्स्ट हाफ पिक्चर का कमाल है, मैंने पता नहीं कितनी बार देखा होगा, और ये पिक्चर हर भाषा में डेवलप हुई है, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगू में, हिंदी में, हर भाषा में इस पिक्चर को डब किया गया है और रीमेक्स हुए हैं इस पिक्चर के, और कमाल की बनी है। कन्नड़ में इसको विष्णुवर्धन को लेके बनाया गया था और वो भी अच्छी है, पर इतनी अच्छी नहीं है। कोटी कब्बा करके एक पिक्चर बनाई थी उन्होंने, और वो उतनी अच्छी पिक्चर नहीं लगती मुझे शॉर्ट टेकिंग वाइज। मुझे लगता है कि वो शायद उसका मीनिंग नहीं समझ पाए थे कि बेसिकली फिल्म किस बारे में और किस तरीके की है। तो विष्णुवर्धन ने हालांकि एक्टिंग अच्छी करी है, पर अगेन वो उतना कन्विंसिंग नहीं है जितना रजनीकांत था। तो मुझे लगता है फिल्म आपको देखनी चाहिए, और अन्नामलई भी देखनी चाहिए, अन्नामलई भी काफ़ी कमाल की फिल्म है। और ये किताब आप जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंट्रिंसिक चीज़ें पता चलेंगी रजनीकांत की लाइफ के बारे में, वो किस तरह का इंसान है, किस तरह की एक्टिंग स्टाइल है। मैं बेसिकली इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहता था क्योंकि मैं खुद रजनीकांत का बहुत बड़ा फैन हूँ, नॉट बिकॉज उनका पास स्टाइल है, जो कि उनके पास है, उससे ज़्यादा स्टाइलिश एक्टर मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं है। इवन मैं कमल हासन को भी उतना हाई रेट नहीं करता हूँ, कमल हासन भी बहुत अच्छा एक्टर है। रिसेंटली उनके कमेंट्स की वजह से मुझे नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा, पहले पसंद थे, पर वो एक स्टाइलिश एक्टर नहीं है, वो एक नसीरुद्दीन शाह टाइप का एक्टर मुझे लगते हैं कमल हासन। रजनीकांत इज लाइक ब्लॉकबस्टर मास एक्टर, सो वो कमाल की जो चीज़ उसके अंदर है वो और किसी के अंदर नहीं। तो जो रजनीकांत कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता है, और वो एक्सक्लूसिविटी फैक्टर है जो कि एक एक्टर को सबसे सेपरेट करता है। तो अन्नामलई के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, वीरा के बारे में काफ़ी पता चलेगा, उसकी मेकिंग के बारे में पता चलेगा, रजनीकांत के बारे में पता चलेगा, डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा। तो मुझे लगता है बुक हर फिल्म मेकर को, हर वाना भी फिल्म मेकर को, डायरेक्टर को पढ़नी चाहिए, इवन एक्टर्स को पढ़नी चाहिए, हाउ टू बिहेव ऑन सेट। सो ये किताब एक आइकॉन है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। मैं इसको दो बार पढ़ चुका हूँ, मैंने पहली बार डाउनलोड की थी वो सारी तमिल में डाउनलोड हो गई थी क्योंकि मैं किंडल में पढ़ता हूँ, सेकंड टाइम जब मैंने डाउनलोड की तो फिर मैंने उसको इंग्लिश में डाउनलोड किया, फिर मैंने पूरी किताब पढ़ी। एंड इट गिव्स यू वेरी गुड फीलिंग आफ्टर रीडिंग दिस बुक, एंड देयर आर फोटोज ऑफ द शूटिंग विच गिव्स यू वेरी नाइस फीलिंग अबाउट बींग ऑन सेट एंड लुकिंग एट दोज थिंग्स दैट विच अदर पीपल कैनॉट सी, एंड इट्स लाइक ट्रैवलिंग बैक इन टाइम एंड सीइंग दोज फोटोज। It's amazing to read those book and look at those photos. And then, किताब पढ़ने के बाद आप फिर वो YouTube पे जाते हो, फिर वो सीन्स देखते हो, जैसे अन्नामलई का वो सीन है जो मैंने देखा था। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक और अन्नामलई में सीन है जो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, कि अन्नामलई में मुंबई में सी प्रिंसेस पे एक शूट हो रहा था, वो होटल वाले थे, नॉन प्रोफेशनल थे, उन्होंने पूरा 12 घंटे का समय दिया था शूटिंग के लिए, पर रात में उन्होंने रजनीकांत को बैठा के रखा, डायरेक्टर को बैठा के रखा, क्योंकि उनके लिए रजनीकांत बहुत बड़ा स्टार नहीं था। तो सुबह तक वो बोलते रहे कि सर अभी कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, शूटिंग थोड़ी देर बात करेगा, शूटिंग थोड़ी देर बात करेगा, करते करते सुबह के 5 बज गए और 7 बजे होटल को दोबारा खुलना होता है। तो बेसिकली अब इनके पास 1-2 घंटे ही बचे थे अपने फिल्म को शूट करने के लिए, जो सीन उन्होंने सोचा था, और वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था फिल्म का अन्नामलई में, और सुरेश कृष्णा ने वहाँ पर अपना दिमाग लगाया। अब ये चीज़ है जो डायरेक्टर्स को सीखनी चाहिए कि दिमाग कहाँ लगाना है, फिल्म को कैसे बनाना है। तो उन्होंने सिर्फ 5-6 कट्स लिए, एक रजनीकांत के नीचे जाने का, एक रजनीकांत के ऊपर जाने का, एक उसके फ्रेंड के नीचे आने का, और वो सिम्बॉलिक शॉट बन गया। उसने नीचे कैमरा रखा, एक ऊपर कैमरा रखा, एक साइड में कैमरा, दो कैमरे साइड से शॉट लिए, और शॉट करके जो रात भर में शूट होना था वो उसने 1 घंटे में करके ख़त्म कर दिया, और वो सीन एकदम मीनिंगफुल है। जब मैंने वो पिक्चर देखी थी तो मैं उस सीन का महत्व नहीं समझ पाया था, पर जब अब मैं वो पिक्चर देखता हूँ तो मुझे उसका मीनिंग समझ में आता है, वो कितना सिम्बॉलिकल सीन था कि उसमें रजनीकांत नीचे है, उसका फ्रेंड ऊपर है, क्योंकि फिल्म की बेसिक स्टोरी है, और लिफ्ट के थ्रू उसका दोस्त नीचे आता है और वो रजनीकांत ऊपर जा रहा है। तो विच इज़ एक्चुअली सिग्निफाइंग द स्टोरी ऑफ द फिल्म, जिसमें रजनीकांत बेसिकली प्रोग्रेस कर रहा है, उसका दोस्त डी प्रोग्रेस करके नीचे आ रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मेटाफोरिकल, वेरी सिम्बॉलिकल, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छी फिल्म को अच्छा बनाती हैं, जो बिटवीन द लाइंस वाली चीज़ें हैं, जो देखने से आपको उस टाइम समझ में नहीं आती, बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि दिस सीन मीन्स समथिंग, दिस थिंग मीन्स समथिंग। और जब आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो तो फिर आप और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो अपनी फिल्म बनाने के लिए, अपने सीन्स लिखने के लिए, अपनी फिल्म में मैं इस तरह की चीज़ें रखूँगा। खैर, इस बारे में मैं तो लगातार बात कर सकता हूँ, दिन रात बात कर सकता हूँ, बिकॉज रजनीकांत मेरा फेवरेट टॉपिक है, भाषा मेरी फेवरेट फिल्म है, और इस पिक्चर के बारे में 1000 चीज़ें जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, पर इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं। और बाशा फिल्म का जो मैंने रिव्यू किया है, और बाशा अन्नामलई का जो रिव्यू किया, और जो बुक है बाशा जो सुरेश कृष्णा ने लिखी, इसका जो रिव्यू किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये किताब खरीदते हैं तो खरीदने के बाद भी मुझे बताइए कि आपको किताब कैसी लगी। गुड रीड्स में मैंने इसका एक रिव्यू भी डाला है, वो भी ज़रूर पढ़िए। अमेज़न का एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर खरीदिए किताब को, और ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये किताब माइंड ब्लोइंग है, आपके पैसे कभी इस किताब में वेस्ट नहीं होंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग से मैं अलविदा लेता हूँ, आपसे जल्द मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।